किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा आधीर कंका यवना खसादय यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। दशहरा त्यौहार अपने आप में एक बहुत अति विशिष्ट वैशिष्ट्य लेकर प्रतिवर्ष आता है और प्रतिवर्ष हम प्रभु को तिलक धारण करवा के, जवारा धारण करवा के और विजय उत्सव विजय पर्व मनाते हैं। पुष्टि भक्ति मार्ग की परंपरा में उभय रूपेण इसका समन्वय किया गया है। एक जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दशानन का वध करके और धर्म संस्थापनार्थाय अपने स्वरूप को प्रकट किया था, उसी प्रकार से कामदेव पर विजय प्राप्त करके हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम राशेश्वर श्री कृष्ण के अपने योगेश्वर स्वरूप को, निष्काम स्वरूप को प्रकट करते हुए जो काम पर विजय प्राप्त करके कामदेव के अनंत बाणों को परास्त करते हुए जिस प्रकार से आप श्री ने काम पर विजय प्राप्त करी, नव दिवस विलास के पूर्ण करते हुए आप परम निष्काम विराजे और उसी के स्वरूप में हमारे यहाँ श्री राधा रानी के श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद में विराजमान यव में से अंकुरित जवारा को प्रभु अपने मस्तक पर धारण करके और अति दिव्य रूप में इस समग्र दशहरा माने कामदेव के सभी प्रहारों को निरस्त करते हुए श्री राधा रानी के चरणारविंद के उस परम पवित्र जवारा को मस्तक पर धारण करते हुए आप रसरूप उत्सव मनाते हैं। मर्यादा मार्ग में इसका प्रकार धर्म की विजय और अधर्म का पराजय, उसी प्रकार से अनीति के ऊपर नीति की विजय, उसी प्रकार से दुराग्रह पे सदाचार और सदाग्रह की विजय, ऐसे ही अन्याय पे न्याय की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, ऐसे अलग अलग प्रकार से जितने भी अज्ञान हैं उन पर ज्ञान की विजय करते हुए, अश्रद्धा और अहंकार पर दासत्व और साथ साथ में करुणा की विजय, और दशमी विजय है प्रभु की मर्यादा रूप में विराजते हुए भी दशानन पर किए गए अनुग्रह की माने भगवान की सामे कृपणता है और उस पर कृपा की विजय है। इस प्रकार से दश प्रकार से दशहरा त्यौहार मनाया जाता है और उस संदर्भ में आज हम अपने प्रभु को जवारा धारण कराते हुए, तिलक धारण कराते हुए, परिश्रमार्थ माट भोग धरते हुए प्रभु को विनंती करते हैं कि आपको श्रम हुआ, एतद श्रम निवारण अर्थ हम आपके सामने माट भोग धर रहे हैं और प्रभु पुनः आगे चलकर शरद में अपने पूर्ण रूप से उस निष्काम स्वरूप का दर्शन समग्र रसदेवी सृष्टि को कराते हुए अपना स्वरूप सौंदर्य, अपना महारास में अपना महात्म्य और अपने स्वरूप का दर्शन लीलानुभव सभी ब्रजभक्तों को कराने वाले हैं। तो आज के ये दशहरा त्यौहार के आप सभी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और मेरी शुभकामनाएं हैं। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।